के मुद्दों पर रोशनी डालें। धन्यवाद। मंच पर आसीन एवं उपस्थित हमारे भाइयों और बहनों सभी को सेवा की ओर से नमस्कार। हम सबसे पहले एक नारा लगाना चाहेंगे, हम सब, हम सब, आवाज दो, आवाज दो। आजीविका संरक्षण कानून आया है 2014 में, उस कानून का क्रियान्वयन किसी भी राज्य में नहीं हो रहा है। आज 3 करोड़ बेंडर्स इस देश में हैं, हम भी इस देश के कल्चर हैं। आज स्मार्ट सिटी के नाम पर, विकास के नाम पर हमारे रोजगारों को उजाड़ा जा रहा है। क्या ऐसी स्मार्ट सिटी हो जहां बेंडरों के लिए कोई जगह ना हो? शहर में बड़े बड़े आयोजन के लिए जगह होती है, लेकिन हमारे बेंडरों के लिए जगह नहीं होती है। बड़े बड़े पार्क बनते हैं पर बेंडरों के लिए कोई जगह नहीं है। क्या ऐसी स्मार्ट सिटी का मतलब है जो नेचुरल मार्केट को ख़त्म करे, है जो नेचुरल मार्केट को ख़त्म करे और मालों को बढ़ावा दे? एक तरफ सरकार हमसे कहती है कि हम रोजगार देंगे, लेकिन यहाँ तो रोजगार उजाड़ना ही माना जाएगा, क्योंकि जब लोगों को यहाँ से वहाँ बेदखल किया जा रहा है, बेंडर्स को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, पुलिस प्रताड़ित करती है, बीएमसी के लोग आते हैं सामान उठाकर ले जाते हैं, और रोड बने, ब्रिज बने, ट्रैफिक हो, लेकिन सबसे पहले निशाने पर बेंडर्स ही होता है, क्योंकि बेंडर्स ही एक इतनी जगह लेता है जो हर वक्त किया जाता है कि बेंडर्स को हटाओ, बेंडर्स को हटाओ। आज जबकि राष्ट्रीय कानून में आया है उसका भी 5% आय उसके ऊपर खर्च की जाती है जो विकास के लिए है, लेकिन उसका क्या विकास हो रहा है? देश में कानून में ऐसा भी आया है कि 2.5% जगह बेंडर्स के लिए होना चाहिए, लेकिन क्या वो जगह लोगों को, बेंडर्स को मिल रही है? आज जहाँ रोजगार करते हैं वहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि हमारी काफ़ी बहनें भी इस रोजगार को करती हैं, तो क्या बहनों के लिए अलग से मार्केट नहीं होना चाहिए? उनके साथ शोषण हो रहा है काफ़ी। तो इन्हीं बातों को कहते हुए हम धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर से बोलेंगे, हम सब, हम सब। अभी आवाज़ जोर से नहीं आई है भाइयों बहनों, हमारी पार्लियामेंट तक आवाज़ नहीं जा रही है, फिर से बोलिए, हम सब, हम सब, आवाज़ दो, मजदूर एकता, मजदूर एकता। धन्यवाद साथियों।